राजधानी लखनऊ का अलीगंज क्षेत्र, जहां स्थित है पुराना हनुमान मंदिर। इस प्राचीन मंदिर को लेकर भक्तों में अगाध आस्था है। बताया जाता है कि इसी जगह पर जब मां सीता को वनवास भेजा गया था तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। इस दौरान हनुमान जी उनकी सुरक्षा में थे, जबकि लक्ष्मण अपने टीले वाले महल में चले गए थे। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अवध के 6वें नवाब सादत अली खां की मां आलिया बेगम ने कराया था। बताया जाता है कि आलिया बेगम के सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि इस बाग में उनकी एक मूर्ति है, जिसके बाद खुदाई कराई गई तो जमीन में कुछ गज नीचे यहां पर हनुमान जी की प्रतिमा मिली। कहा तो यहां तक जाता है कि हनुमान जी जब हाथी के ऊपर रख कर लाए जा रहे थे, जिससे इमामबाड़े के पास हनुमान मंदिर का निर्माण कराकर उसमें प्रतिमा स्थापित कराई जा सके, लेकिन हाथी जब इस जगह पर पहुंचा जहां आज मंदिर है तो प्रतिमा लेकर उसे आगे ना जा सका। ऐसे में मंदिर का निर्माण इसी स्थान पर कराया गया। इस मंदिर के शिखर पर आज भी चांद का चिन्ह लगा हुआ है। पुराने हनुमान जी के मंदिर के महंत गोपाल दास जी बताते हैं कि नवाबों के समय में यहाँ एक महामारी आई थी, जिसने काफी लोगों को अपनी चपेट में लिया। उस दौरान नवाबों ने यह मनोकामना मांगी थी कि महामारी समाप्त हो जाए तो भंडारा कराएंगे, तभी से भंडारे की शुरुआत हुई। ये सबसे प्राचीन हनुमान जी हैं यहाँ के, और जब माता जी का वनवास हुआ था उस समय माता जी यहाँ आई थी, रुकी थी, और इधर से चल के आके यहाँ संध्या हो गई, यहीं रुकी थी, यहाँ हनुमान जी पहरे में थे। और लखन जी, ये टीलाली मस्जिद है, लक्ष्मणपुरी कहलाती थी, वहाँ उनका महल था, वहाँ चले गए, उस समय का मंदिर है। तो यहाँ के नवाब हुए, नवाबों को संतान नहीं थे, बाबा से मन्नत माने, संतान की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ऊपर चांद उन्होंने ही लगवाया नवाबों ने। महाराज जी, अपने यहाँ बड़े मंगल को हर बार लगातार मनाया जा रहा है और बड़ा पावन पर्व माना जाता है, लखनऊ से ही कहा जाता है शुरुआत है, क्या है उसके पीछे का क्या इतिहास है? ये नवाबों के समय में प्लेग महामारी बीमारी फैली थी, तो उसको माने नवाब लोग कि हमें इसको छुटकारा मिले तो मेला लगवाएंगे, भंडारा करेंगे, बंदरों को चना चबाएंगे, उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। और यहाँ जो नया और पुराना हनुमान जी मंदिर का जो कथा है वो ऐसा हम पूर्वजों से सुने हैं या लिखा भी है कि नवाब यहाँ से वो मूर्ति जब मन्नत पूरी हो तो ले जा रहे थे इमामबाड़े के पास, मंदिर बना के बाबा की पूजा करेंगे, तो उस समय गोमती चांदगंज के पास बैठी थी तो हाथी लेके चले हौदा पे रख के, तो हाथी बैठ गया, मूर्ति उतारे तो हाथी चल गया, फिर रखे तो फिर बैठ गया, उतारे तो फिर चले, नवाब को सब हो गया गोमती उस पार हनुमान जी नहीं जाए, हनुमान जी नहीं जाएंगे, तो उनको यहाँ पे स्थापना, तब से वो नए हनुमान जी, पुराने हनुमान जी की परंपरा नाम पड़ा। एक महाराज हनुमान जी और बात प्रकाश में आती है जिसमें कहा जाता है कि ये बुढ़वा मंगल, बुढ़वा मंगल का क्या कथा है? बुढ़वा मंगल तो ऐसा है, इसी में हमारे पूर्वज से बोलते थे कि बड़ा मंगल, मंझला मंगल, बुढ़वा मंगल है। अब वो हर जगह कहीं बुढ़वा मंगल बन रहा है, कोई आनंदी मंगल बोलता है, कोई अपने 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 परंपराएं हैं, कोई संडीले में करता है तो कोई बाराबंकी में करता है, तो अब वो अपनी उनकी परंपराएं और होंगी। मगर ज्येष्ठ का जो बड़ा मंगल होता है, वो ज्येष्ठ बहने की जो पहला मंगल होता तब से शुरू होता है, जय पढ़े पाँच पढ़े चाहे मलमास में आठ पढ़े, वो बड़ा मंगल ही माना जाता है जी, बड़ा मंगल माना जाता है। महाराज जी, आप यहाँ कब से स्थापित हैं? हमको 50 से 51 साल हो गए यहाँ। मंगल बुढ़वा मंगल है, अब वो हर जगह कहीं बुढ़वा मंगल बन रहा है, कोई आनंदी मंगल बोलता है, कोई अपने 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 परंपराएं हैं, कोई संडीले में करता है तो कोई बाराबंकी में करता है, तो अब वो अपनी उनकी परंपराएं और होंगी। मगर ज्येष्ठ का जो बड़ा मंगल होता है, वो ज्येष्ठ बहने की जो पहला मंगल होता तब से शुरू होता है, जय पढ़े पाँच पढ़े चाहे मलमास में आठ पढ़े, वो बड़ा मंगल ही माना जाता है जी, बड़ा मंगल माना जाता है। महाराज जी, आप यहाँ कब से स्थापित हैं? हमको 50 से 51 साल हो गए यहाँ, हम बचपन से ही हैं। उससे पहले कौन थे? हमारे गुरु जी थे, भूदर दास जी मूर्ति रखी, उनका क्या नाम था? श्री 1008 श्री महंत भूदर दास, स्वर्गीय भूदर दास। हाँ, हम सब बड़ी छावनी से संबंधित, हमारे दादी वो अयोध्या में हमारी साधु शाही परंपरा से चला आ रहा है। ये जो हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है,
इसकी क्या विशेषता है? ये पहले बताते थे उसके, मगर अभी जब भगवान हनुमान जी चोला छोड़े हैं, अभी दोनों स्वरूप लगे हैं, तो उसमें पाषाण के हैं, तलवार लगाए हुए मूछे वाले विकराल रूप में। वहीं भक्त बताते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से बिगड़े काम बनते हैं। जो भी मनोकामना लेकर भक्त यहाँ आता है वह जरूर पूरी होती है। ये मेरी मान्यता है, जो काम होते हैं बिगड़े हुए यहाँ बनते हैं। और मैं कई साल से आ रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल से आता हूँ, और मेरी मान्यता ये है कि जो आप मांगेंगे हृदय से वो आपको मिलेगा।